के सोते ही देवर के बिस्तर में जा घुसी पत्नी, फिर निकलने लगे भयानक चीखे। यह घटना कानपुर नरोरा की दर्शाई जा रही है। गुरुवार रात में पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर पति ने आपा खो दिया और चाकू से दोनों की हत्या कर दी। यह खौफनाक वारदात उत्तर प्रदेश के कानपुर की दर्शाई जा रही है, जहां पति के सोते ही पत्नी प्रेमी के साथ बेड पर चली गई। तभी अचानक पति की नींद खुल गई तो उसने आपा खो दिया और पहले प्रेमी की हत्या, फिर पत्नी की चाकू से मारकर कर दी हत्या, जहां दोनों की मौत हो चुकी है। यह मामला धोखा देने के दौरान घड़ी है। हंसी खुशी से जिंदगी चल रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक परिवार में दोनों के दो बेटे और एक बेटी भी है। प्रेमिका से बनाया अवैध संबंध तो मकान मालिक ने दोस्तों के साथ मिलकर किराएदार को मार डाला। यह घटना लखनऊ की दर्शाई जाती है। अवैध संबंध के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला उजागर हुआ है। मामला रविवार को उस समय सामने आया जब युवक की लाश महिला बाद एक नाले से बरामद की गई। छानबीन के दौरान यह सच सामने आया है। फिलहाल मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जापान में हेजी बेस तूफान का कहर, 26 से ज्यादा लोगों की मौत, जहां 180 लोग घायल हो चुके हैं। मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं के कारण लोगों की मरने की संख्या 26 से ज्यादा हो चुकी है, साथ ही 180 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। जापान में तूफान से हुए नुकसान के आकलन व माननीय सहायता के लिए बड़ा अभियान शुरू किया गया है। नागोनो प्रांत में मूसलाधार बारिश से चिकुआ नदी से आसपास के इलाके में बाढ़ आ गई, जहां बचाव कार्य में 27,000 जवानों को राहत कार्य के लिए तैनात किया गया है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ।